नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग विद राकेश 99 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक छोटे से गांव चंगेरी का रहने वाला बच्चा, जिसने मोबाइल से सीखकर गोबर गैस बनाया है, आइए मिलते हैं बच्चे से। सामने जिस बच्चे को आप डब्बे में गोबर भरते हुए देख रहे हैं, इस बच्चे का नाम आशीष कुमार है, जो प्रोन्नत मध्य विद्यालय कन्या चंगेरी में पढ़ता है। एक क्लास छठी का विद्यार्थी है, जिसने मोबाइल की मदद से गोबर गैस बनाना सीखा है। तो आइए इस बच्चे से मिलते हैं और देखते हैं इसके टैलेंट को। तो जो भी लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, तो नीचे जाकर लाइक का बटन दबाएं, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल ब्लॉग विद राकेश 99 को सब्सक्राइब करें। जिस बोतल में गोबर को भरा गया है, उसके ढक्कन में बच्चा छेद कर स्लाइम पाइप, जिसे आईबी सेट कहते हैं, तो उसको जोड़कर यह अभी आपके सामने गोबर से बना हुआ जो गैस होता है, तो उसको जला के आपके सामने प्रस्तुति देगा। तो इस बच्चे की प्रतिभा को हम सलाम करते हैं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि इस बच्चे का नाम आशीष कुमार है, जो चंगेरी का रहने वाला है, और चंगेरी बांका जिला अंतर्गत बाराहाट प्रखंड में पड़ता है। सामने जो बच्चे के हाथ में देख रहे हैं, वो गोबर गैस से जल रहा है। आशीष का कहना है कि आगे चलकर यह गोबर गैस प्लांट लगाना चाहता है, जिसकी मदद से वह घर में प्रयोग हो रहे एलपीजी गैस को हटाकर माँ बाप का पैसा बचा सके। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि गोबर गैस बनने में करीब 20 से 25 दिन का समय लगता है, कर वो गैस जलने के लायक होता है। आपने जो वीडियो में देखा कि बच्चे बोतल में गोबर भर रहे थे और बाद में उसने बोतल में पानी डाला, यह इस प्रक्रिया का एक हिस्सा था, जिससे बच्चे सीख सके कि गोबर गैस किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपके भी आसपास गांव में जो प्रतिभावान बच्चे हैं, तो आप भी उसे सामने लाएं और उसकी मदद करें। कहां से सीखे कि कैसे गैस जलेगा? ये आग जो जला रहे हो, कैसे, कहां से सीखे? मोबाइल से देख के सीखे। मोबाइल से? खाली यही सब करते हो या पढ़ाई भी करते हो? पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई कौन से स्कूल में? मध्य विद्यालय चंगेरी कन्या। सरकारी मध्य विद्यालय? अरे बाप रे। तो मेरा वीडियो देख रहे तमाम अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वो भी अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचाने और उसके सपने को साकार करने में हर संभव मदद करे। मेरे चैनल को इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी और दमदार वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।